हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गुजराती किचन में। तो आज की रेसिपी में हम बनाएंगे कैबेज का सलाद, यानी गुजराती में उसको कॉबिज कॉबी का संभारा ऐसा बोला जाता है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने पैन को गर्म करने के लिए रख दिया है गैस के ऊपर। उसके साथ मैं ऐड करूँगी 1 चम्मच जितना तेल। ज़्यादा तेल ऐड नहीं करना है। तेल को ऐसा स्प्रेड करके गर्म कर लेंगे मीडियम गैस पे। जैसे ही गर्म हो उसमें अंदर ऐड करेंगे 1/2 चम्मच राई। राई को होने देंगे और हींग डाल देंगे 1/4 टीस्पून जितना। और उसके साथ अभी मैं डालूँगी 2 कटे हुए हरे मिर्च, ऐसे स्लाइसेस में कट कर लिए हैं। और अभी गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे और उसको एक बार मिला लेंगे। अभी हम उसके अंदर ऐड करेंगे कटे हुए गाजर के टुकड़े। ये मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है, 2 बड़े चम्मच जितना लिया है। तो उसको भी मिक्स कर लेंगे। तुरंत ही अभी ऐड करेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और उसको भी एक बार मिक्स कर लेंगे। अभी मैंने कैबेज कटा हुआ लिया है 1 बाउल जितना, वो ऐड करेंगे। ऐसे स्लाइसेस में मैंने कट किया है कैबेज को। उसके साथ सॉल्ट नमक डाल देंगे हमारा स्वाद अनुसार और अच्छे से उसको मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अच्छे से उसको मिक्स कर लिया है। उसको हम 2 मिनट तक ऐसे ही कुक कर लेंगे, ढकना नहीं है और उसको ज़्यादा पकाना भी नहीं है। तो 2 मिनट के बाद आप देखेंगे कि हमारा अच्छे से संभारा यानी कि सलाद बन के तैयार है। तो अभी हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और तुरंत ही उसको सर्व करेंगे। आप इसको ऐसे सलाद के तरह सर्व कर सकते हैं, जैसे कि आप बैंगन का भरता, कढ़ी सब बनाते हो, तो आप ये सलाद ज़रूर ट्राई कीजिए। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलेगा और मेरी चैनल गुजराती किचन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी सारी रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलती हूँ आपको एक ऐसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।